नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी फिर लेके आई हूँ। ये भी रामायण से है। इसमें वीर हनुमान के जन्म की कहानी बताई गई है कि राजा दशरथ जब पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवा रहे थे, उसी समय माता अंजना भी भगवान शिव की आराधना कर रही थी ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो इधर अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का एक बर्तन दिया और उन्हें अपनी तीनों रानियों को खिलाने के लिए कहा। राजा ने अपनी रानियों में से श्रेष्ठ कौशल्या के हाथ में खीर का बर्तन दिया। जैसे ही कौशल्या ने बर्तन को पकड़ा, एक चील खीर को झपटने के लिए नज़दीक आ गई और देखते ही देखते एक बार झपट भी ली, जिससे दो चार दाने खीर के ज़मीन पर गिर पड़े और वायुदेव उस खीर को अपने वेग से उड़ाकर अंजना के हाथों में पहुंचा दिया और उसे ग्रहण करने को कहा। अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और समय के बाद वीर हनुमान जैसे पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है कि ईश्वर अगर देना चाहे तो किसी न किसी बहाने दे देते हैं। पुत्र की कामना हेतु यज्ञ राजा दशरथ करवा रहे थे, उसी खीर में से एक अंश हनुमान की माता को भी मिल गया, तो वह भी उतना ही विख्यात बलवान और बुद्धिमान हुए। तो ये कहानी आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, काफ़ी रोचक है और ज्ञान वाली भी है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।